हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आप सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। अब होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनके मीनिंग्स भी अलग अलग ही होते हैं। और आज का जो हमारा होमोफोन है वो बहुत कॉमन है। अब मैं आपको पहले एक सेंटेंस बताती हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है। कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल। आपने सही सुना, द कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल। अब यहाँ पर बोलने में तो सब कुछ सही है, पर लिखते समय आप अफेक्टेड की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? AFFECTED या EFFECTED? हो गए ना कंफ्यूज? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ AFFECT और EFFECT, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं AFFECT और EFFECT, इफेक्ट, दोनों को ही हम इफेक्ट प्रोनाउंस करते हैं इसके बारे में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है और सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, ए और ई का। पर अगर इनके मीनिंग्स देखे जाए तो वो काफी अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं AFFECT, इफेक्ट के बारे में, कि इसका मतलब क्या होता है और हम किस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे। AFFECT, इफेक्ट, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, असर करना या प्रभावित करना। इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस दैट कैन मेक अ डिफरेंस और चेंज ऑन समथिंग और समवन। नॉर्मली इसका यूज एज अ वर्ब किया जाता है, क्रिया की तरह किया जाता है। नाउन की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम इसका यूज हम एक क्रिया की तरह करते हैं, एक वर्ब की तरह करते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, इससे आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि अफेक्टेड की स्पेलिंग क्या होगी। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोरोना वायरस का प्रभाव दूसरों की लाइफ्स पर पड़ा है, जीवन शैली पर पड़ा है, किसी तरह से उनको प्रभावित किया है, असर डाला है। तो हम यहाँ पर अफेक्टेड AFFECTED का यूज करेंगे। अफेक्टेड, कोरोना वायरस अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल। इसी तरह से ड्यू टू द हैवी फ्लड ट्रांसपोर्टेशन इज बैडली अफेक्टेड। भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर भी हम AFFECTED का यूज करेंगे, अफेक्ट का यूज करेंगे। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, हिज स्पीच अफेक्टेड मी अ लॉट। उसके भाषण ने मुझ पर बहुत बड़ा असर डाला, प्रभाव डाला। तो उसके भाषण ने मुझ पर प्रभाव डाला, एक तरह से मुझ में कुछ चेंजेस लाए या परिवर्तन लाया। तो यहाँ पर भी हम कौन से अफेक्ट का यूज करेंगे? AFFECT का, अफेक्ट, क्योंकि प्रभाव डाला, यहाँ पर ये एक क्रिया है। और इसके अलावा उस काम का इम्पैक्ट मुझ पर पड़ रहा है, एक असर हो रहा है मुझ पर। तो इसीलिए
हमने यहाँ पर AFFECT का यूज किया है, अफेक्ट का। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किसी काम का असर दिखाई दे पड़े तो उस समय हम AFFECT का यूज करेंगे। अब बात कर रहे हैं इफेक्ट की, AFFECT, इसे भी हम इफेक्ट ही प्रोनाउंस करते हैं, पर इसका यूज एज अ नाउन किया जाता है और इसका मतलब होता है असर या प्रभाव। रिमेम्बर, एज अ नाउन इसका यूज होता है और इसका मतलब होता है असर या प्रभाव। अ चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट और एन एक्शन, किसी भी एक्शन के द्वारा या इवेंट की वजह से जो चेंज आया उसको हम इफेक्ट बोलेंगे। इफेक्ट और स्पेलिंग क्या होगी? AFFECT। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। टेक द मेडिसिन एंड सी द इफेक्ट, दवाई लो और उसका प्रभाव देखो। अब यहाँ पर इफेक्ट का यूज एज अ नाउन किया गया है, यहाँ पर AFFECT का यूज किया है क्योंकि मेडिसिन लो और फिर उसका प्रभाव देखो, उसका असर देखो। तो कोई एक्शन हुआ और फिर उसमें जो चेंज आया, उसका रिजल्ट आया, उसको देखने की बात हो रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, माय वर्ड्स डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, मेरे शब्दों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई असर नहीं होता। एक और एग्जांपल देखिए, द पेन किलर हैज नो इफेक्ट ऑन मी, पेन किलर्स जो होते हैं मेडिसिन, उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो पेन किलर मैंने ली और उसका असर क्या हुआ ये मैंने बताया कि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो यहाँ पर AFFECT का हम यूज करेंगे। आई होप आपको अफेक्ट, AFFECT और इफेक्ट, AFFECT के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्जाम देते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं या नॉर्मल एग्जाम्स भी दे रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछ लिया जाता है कि वहां पर AFFECT आएगा या EFFECT आएगा। तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, इफेक्ट AFFECT किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ए से, और ए से एक्शन होता है। सो इफेक्ट दैट मीन्स एक्शन, क्रिया है ये। इसी तरह से EFFECT इफेक्ट, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ई लेटर से। ई से आप किसको कनेक्ट करेंगे? एंड आउटकम से, कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, एंड आउटकम, जो कि एक संज्ञा हुई। तो ये एक छोटा सा टिप है जो अगर आप याद रखेंगे तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कभी मिस्टेक नहीं होगी। अफेक्ट, AFFECT और EFFECT में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इफेक्ट AFFECT ए से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स एक्शन, क्रिया, और EFFECT ई से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स एंड आउटकम, उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको अब AFFECT और EFFECT इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर क्लियर हो गया है तो कुछ सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इन दोनों ही वर्ड से। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।